नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। रायपुर में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला मौजूद रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी की महतारी हुंकार रैली पर सवाल उठाया है। महिला अपराधों को लेकर सुश्री आनंद शुक्ला ने कहा है कि बिलासपुर में रमन सरकार में नसबंदी के दौरान बहुत सी महिलाओं की मौत हुई थी। अमरजीत चावला ने स्मृति ईरानी पर रैली में झूठे बोलने के आरोप लगाए हैं। वहीं गंगा जल की कसम केवल किसानों के कर्ज माफी को लेकर कहा गया था कि गंगा मैया का नाम लेकर स्मृति ईरानी ने झूठ बोली है। आगे कहा है कि रमन सरकार ने शराब के सरकारीकरण पर स्मृति ईरानी ने सवाल क्यों नहीं उठाया। और राज्य सरकार की ओर से किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 28 नए धान खरीदी केंद्र खोलने की अनुमति दे दी गई है। धान खरीदी केंद्रों के नियमों के अनुसार सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है। और प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा है कि प्रदेश में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है और अपराधों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। और झलिया मारी कांड, गांधी गुड़ा कांड, अपूर्वा कांड, गर्भाशय कांड, नसबंदी कांड, इसका जवाब देना चाहिए। और इस तुलना करना है तो यूपी से कर ले, वहाँ कितना हो रहा है और यहाँ क्या स्थिति है। महिलाओं का अत्याचार की बात है और यहाँ जितनी भी घटनाएं हुई है सबके खिलाफ FIR हुआ है और सब में कार्रवाई। और अब खबर रायपुर से है जहां सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा है कि स्मृति ईरानी को बताना चाहिए कि कई ट्रेनें आखिर क्यों बंद हैं। और उन्होंने कहा है कि जो ट्रेन लगातार बंद हो रही है उसको स्मृति ईरानी चालू करवाए। साथ ही महिला अपराध के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में महिला अपराध पर प्रशासन की पैनी नजर रहती है और महिलाओं के हक के लिए सरकार हर तरह से सजग रहती है। कल स्मृति ईरानी का बिलासपुर में हुंकार रैली था और इसको लेकर आज स्मृति ईरानी पर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा है कि उनके राज्य में महिलाएं जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन जो है वो पूरी तरह से हमेशा सजग रहते हैं। रानी जी को बताना चाहिए कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, क्यों महिलाएं यात्रा नहीं करती। सबसे ज्यादा महिलाएं यात्रा करती है, ट्रेनों में सबसे सुविधाजनक और सस्ता है और उसको बंद करके रखी। स्मृति ईरानी जी आई है तो जरूर इसमें सुधार होगा। सिंह जी जब सत्ता में थे तो फिर उनको उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की, सबसे बड़ा सवाल ये। 2015 का केस है, 2018 तक मुख्यमंत्री रहे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है बता दें। अनिल टुडेजा जी की केवल 8 महीने कार्यकाल के बारे में होना चाहिए, 2011 से या उसके पहले से 2004-05 से क्यों नहीं होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर के गांवों का दौरा किया है और अपने दौरे में सीएम ने सेमरा सिवनी गांव के लोगों से मुलाकात की है और इस मौके पर जिले के कई अधिकारी भी मौजूद नजर आए हैं।
खबर डोंगरगांव से है, जहां 12 नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डोंगरगांव दौरे पर हैं और जहां सीएम भूपेश बघेल लोगों से रूबरू होकर सरकार द्वारा दिए जा रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन भी एक कदम सख्त नजर आ रही है। जहां पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की जानकारी भी उन्होंने दी है। हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं, सबसे पहले उनका कैंप हाउस जो कि रेस्ट हाउस है वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ के हम लोगों ने अभी जायजा लिया है पूरा। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का प्रस्तावित कार्यक्रम है भेंट मुलाकात का, उसमें डोंगरगांव में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है, उसमें समाज प्रमुखों से मिलेंगे, प्लस जिले के प्रमुख अधिकारियों की मीटिंग है। इसके अलावा प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और जो भी निर्माण कार्य है उसका शिलान्यास भी कैंप कार्यालय से करेंगे। तो निश्चित ही इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा के जो व्यापक इंतजाम है हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। सबसे पहले उनका कैंप हाउस जो कि पुराना रेस्ट हाउस है वहाँ पे रुकेंगे, वहाँ के हम लोगों ने अभी जायजा लिया है पूरा। और मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा इन दिनों रायपुर में है, जहां महाशिव पुराण का आयोजन किया गया है। वहीं रोजाना लाखों की भीड़ उमड़ रही है उनके कार्यक्रम में, और इसी बीच शुक्रवार को यानी कि बीते कल पंडित प्रदीप मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस दौरान उन्होंने धर्मांतरण और ज्ञानव्यापी विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरे विश्व में जहां भी जमीन खोदेंगे शिव ही निकलेंगे और धर्मांतरण करवाने वालों के ऊपर प्रेशर रहता है। आज जो धर्मांतरण करा रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं, पहले उनके दादा परदादाओं से पूछा जाए कि उन्होंने कभी शिव मंदिर में गए थे, राम मंदिर में गए थे कि नहीं गए थे, कभी अगरबत्ती लगाई कि नहीं लगाई, सोमवार मंगलवार का व्रत करा कि नहीं करा, जब उनके पूर्वज उसको मानते हुए आ रहे हैं। और आज के बच्चे अगर खड़े होकर संकल्प दिला दें कि आप इस धर्म को ना पूजिए या सनातन धर्म से दूर हट जाइए, तो ये उनकी विपरीत बुद्धि है। ये उनको, वो खुद नहीं कर रहा है, ऊपर से कहीं प्रेशर आकर उनसे कराया जा रहा है। ये वो खुद भी नहीं चाहते कि हम संकल्प दिलाते समय वहां खड़े रहें या संकल्प दिलाएं, ये ऊपर से प्रेशर। और रायपुर में ईडी गिरफ्तारी मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। कोर्ट में मामले की सुनवाई को लेकर आईएएस समीर विश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और सूर्यकांत तिवारी एक दिन की न्यायिक रिमांड के बाद कोर्ट पहुंचे। रायपुर में ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है और इस कार्रवाई के दौरान आज कोर्ट के मामले में सुनवाई को लेकर आईएएस समीर विश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल और सूर्यकांत तिवारी एक दिन की न्यायिक रिमांड के बाद आज कोर्ट पहुंचे हैं। और अब खबर छुरिया से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के युवा बच्चों को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। अब यह योजना कुछ जनप्रतिनिधियों के लिए काली कमाई करने का साधन बन गई है। खुर्सी टिकुल गांव में खेलकूद स्पर्धा के दौरान इसी बात को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि ब्लॉक स्तरीय खेलकूद स्पर्धा का आयोजन किया जाना है और इसके लिए जनपद ने 4 लाख रुपए की राशि दी थी, जिसमें अधिकारियों ने 2 लाख में ही कार्यक्रम का आयोजन करा दिया और बचे हुए पैसे उन्होंने हड़प लिया है। सरकारी योजना में काली कमाई शुरू हो गई है। सरकारी योजनाओं के द्वारा मिले पैसे में हड़पने का मामला सामने आया है, जहां 4 लाख रुपए की राशि दी गई थी, वहीं 2 लाख का कार्यक्रम करवा के बचे हुए पैसे हड़पने का यह मामला छुरिया से सामने आया है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के युवा बच्चों को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की और इसी योजना के तहत कुछ राशि जो है वो बच्चों के ऊपर, हमारे देश के भविष्य से जो युवा पीढ़ी है उनके ऊपर खर्च करने के लिए सरकार की तरफ से दी गई है। लेकिन इसमें भी घोटाला का मामला सामने आया है। अधिकारियों के द्वारा सिर्फ 2 लाख रुपए ही कार्यक्रम में खर्च किए गए हैं, बाद बाकी बचे हुए पैसे जो है वो हड़पने का मामला सामने आया है, जिसके बाद अब बवाल मच गया है। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, जिन्होंने एक खेल जो युक्त हो रहा था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, उसको
शुरुआत किया है, इसमें अधिकारी कर्मचारी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। विगत दिनों मामले में जो हमको सुनने में आया कि वहाँ एक सरपंच द्वारा एक हमारे जनपद के उपाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाए, जनपद सदस्य के ऊपर आरोप लगाए, और अब खबर कबीरधाम से है जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में फरार चल रहे आरोपी पर पुलिस ने 5,000 का इनाम घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया था और इलाज के दौरान आरोपी जिला अस्पताल से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने अब उस आरोपी के ऊपर 5,000 का इनाम घोषित कर दिया है। और डोंगरगांव में व्यापारियों के लिए हाट बाजार योजना शुरू की गई थी और इस योजना के तहत व्यापारियों को 2 साल पहले व्यापारियों को दुकानें दी गई थी, लेकिन कई व्यापारियों ने आवंटित की गई दुकानों की राशि नगर पंचायत में जमा नहीं करवाई थी और इस संबंध में नगर पंचायत ने दुकानदारों को कई बार नोटिस भी दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी कई व्यापारियों ने बची हुई राशि जमा नहीं करवाई थी और इस मामले में कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत सीएमओ भूपेंद्र सिंह ने कार्रवाई करते हुए 6 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की है। खबर आपको डोंगरगांव से बता रहे हैं जहां पर दुकान को सील करने का मामला सामने आया है। बकाया राशि जमा नहीं करने के बाद दुकान को सील करने का ये मामला सामने आया है। डोंगरगांव में व्यापारियों के लिए हाट बाजार योजना शुरू की गई थी और इस योजना के तहत व्यापारियों को 2 साल पहले दुकानें दी गई थी, लेकिन कई व्यापारियों ने दुकान की जो आवंटित राशि थी वो नगर पंचायत में जमा नहीं करवाई थी, जिसके बाद एक कई बार नोटिस देने के बावजूद भी व्यापारियों ने जमा राशि नहीं करवाई और इसके बाद मामले पर कार्रवाई करते हुए सीएमओ भूपेंद्र सिंह ने इस पूरे मामले में 6 दुकानों को सील कर दिया है। नगर पंचायत के द्वारा जितने भी अतिक्रमण है सभी को हटाया जा रहा है। कल भी हमने यह थाना के नगर पंचायत के बाजू में ही अतिक्रमण हुआ था, उसको कल तोड़ा गया है और जितने भी अतिक्रमण है वो सभी को हटाया जा रहा है। और क्योंकि रोड चौड़ीकरण होना है तो ऑलरेडी सब हटे नहीं आएंगे। और अब खबर डोंगरगांव से है जहां आम लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया है। लोगों ने कहा है कि शहर में कांग्रेस शासनकाल में लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण की जा रही है और इसी के साथ ही अवैध अतिक्रमण जो है वो मोरम तस्करी का काम जोरों पर है। और यही नहीं, लोगों ने कहा है कि पक्ष तो सही विपक्ष भी इसका विरोध नहीं कर रहा है। यही लोगों ने यह भी कहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी और कांग्रेस की साठ गांठ भी नजर आ रही है। लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाया है, लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस पर साठ गांठ का आरोप लगाया है। आम लोगों का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस पर कांग्रेस जो है वो शहर में कांग्रेस शासनकाल के द्वारा अवैध अतिक्रमण की जा रही है और इसके साथ ही अवैध रेती, अवैध मोरम तस्करी का काम जोरों पर है। यही नहीं, लोगों ने यह भी कहा है कि पक्ष तो पक्ष विपक्ष भी इसका विरोध करते नजर नहीं आ रही है। और साथ ही कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर साठ गांठ का आरोप लगाया है।
और विधायक छन्नी साहू ने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्कूटी से जनसंपर्क किया है। वहीं खेत में जाकर धान कटाई की महिलाओं से चर्चा की है और साथ ही विधायक ने जय सिंह टोला में धान खरीदी केंद्र पहुंचकर धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण भी किया है। पथुरा टोला में पहुंचकर धान काटने एवं खेत के मेड़ पर बैठकर महिलाओं से चर्चा की है। विधायक छन्नी साहू स्कूटी में जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि विधायक छन्नी साहू ने अपने विधानसभा क्षेत्र में स्कूटी से जनसंपर्क किया है। वहीं धान खरीदी केंद्र का भी उन्होंने निरीक्षण किया है। खेत में जाकर धान कटाई की महिलाओं से चर्चा भी की है और साथ ही साथ विधायक जय सिंह टोला में धान खरीदी केंद्र पर पहुंचकर केंद्र का निरीक्षण करते हुए नजर आए हैं। वहीं पथुरा टोला में पहुंचकर धान काटने एवं खेत में मेड़ पर बैठकर महिलाओं से चर्चा करते भी नजर आए हैं। और जब जागो तभी सवेरा, 4 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को राज्य में अपने विपक्ष की भूमिका याद आई है। बीजेपी डोंगरगांव प्रधान सभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सरकार पर पुरजोर करेगी और कांग्रेस के द्वारा जो जन घोषणा पत्र में वादे किए गए थे जिसका पालन करने में कांग्रेस पूर्ण रूप से विफल रही है और उसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस का विरोध करेगी। बिलासपुर में महताब हुंकार रैली है और उसमें बड़ी संख्या में यहाँ से महिलाओं को जाना है, तो पार्टी जो है इन सारे कार्यक्रमों में लगी गई। अभी बहुत सारे संगठनों ने, अलग अलग समाज के लोगों ने और अन्य संगठनों ने हेमा देशमुख और विवेक वासनिक के इस्तीफे की मांग की है और निश्चित रूप से इनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जैसे दिल्ली में वहां पर एक मंत्री का इस्तीफा आपकी सरकार ने लिया है, वैसे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को महापौर और विवेक आश्रम से तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। मुखिया भूपेश बघेल जी डोंगरगांव आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है। अपने जन घोषणा पत्र में वादे को पूरा नहीं किए हैं और वो प्रदेश में घूम घूम के भेंट मुलाकात का कार्यक्रम है, इसलिए युवा मोर्चा द्वारा उनको काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। चाहे शराबबंदी का मुद्दा हो, चाहे आपका बढ़ता अपराध हो, और वहाँ जहाँ अर्जुनी में आ रहे हैं वहाँ से 100 मीटर की दूरी में सर यहाँ स्कूल है और स्कूल से 100 मीटर की दूरी में शराब भट्टी है, इसका युवा मोर्चा को पुरजोर विरोध। चार साल बाद भारतीय जनता पार्टी को राज्य में अपने विपक्ष की भूमिका याद आई है। बीजेपी डोंगरगांव विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस सरकार का पुरजोर विरोध करेगी। वहीं कांग्रेस के द्वारा जो जन घोषणा पत्र में वादे किए गए थे जिसका पालन करने में कांग्रेस पूर्ण रूप से विफल रही है, उसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस का विरोध करेगी। खबर आपको डोंगरगांव से बता रहे हैं जहां पर बीजेपी, 4 साल बाद बीजेपी की नींद खुली है और बीजेपी जो है वो एक बार फिर से कांग्रेस का पुरजोर विरोध करेगी। और खबर रायपुर से है जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बिलासपुर के महतारी हुंकार रैली में शामिल हुई हैं और इस दौरान कांग्रेस ने उनसे 8 सवाल पूछे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते स्मृति ईरानी ने सवालों का जवाब देगी और आगे उन्होंने कहा है कि जब विपक्ष में थे तो खूब आंदोलन की थी। ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, आज केंद्रीय मंत्री
भारतीय जनता पार्टी की नेता श्रीमती स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ आ रही हैं और यहाँ पे हुंकार रैली में भाग लेंगी। कांग्रेस पार्टी ने उनसे 8 सवाल किए हैं और हमें अपेक्षा है कि एक नेता होने के नाते, एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते स्मृति ईरानी इन 8 सवालों का जवाब जरूर देंगी। पहला कि जब वे विपक्ष में थी, जब सिलेंडर के दाम 400 रुपये थे, तब उन्होंने सिलेंडर लेकर सब्जियों की माला पहन के महंगाई के खिलाफ खूब आंदोलन किया था, देश भर में आंदोलन किया था। आज सिलेंडर और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन के बयान पर राजनीतिक सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रंजना साहू ने कार्यवाही की मांग करते हुए बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नक्सलियों के संरक्षक है। वहीं रंजीता रंजन ने बयान इसी दिशा में एक और प्रमाण है कि मुख्यमंत्री अगर रंजीता रंजन के बयान से सहमत है तो बताएं, नहीं तो उन पर कार्रवाई करें। और दूसरी ओर कांग्रेस अपने भारत देश में जहां पर नक्सलवाद में कमी आई है, केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर नक्सलवाद में कमी होने के बजाय लगातार नक्सली घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। भाजपा शुरू से यह कहते आई है कि कांग्रेस और नक्सलियों की बड़ी साठगांठ है। कांग्रेस के संरक्षण में और उनके पनाह के कारण आज नक्सली पनप रहे हैं। नक्सली हमारे नौजवान सेना के साथियों पर, पुलिस पर बर्बरतापूर्वक हमला करती है, सीधे साधे जो ग्रामीण जन जो बंधु हैं उनकी नृशंस हत्या करती है। और दूसरी ओर और छुरिया के रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय के छात्रा का आकस्मिक निधन हो गया है। आपको बता दें कि मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया है। कॉलेज प्रशासन ने बताया है कि टोमिन साहू बीए की छात्रा थी और शिक्षकों और छात्राओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। छात्रा का आकस्मिक निधन हो गया है और जिसके बाद स्कूल के शिक्षकों ने और छात्राओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। छुरिया की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर छुरिया में रानी मुख और मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।